निजकु देवालिया घोषित करिछि श्रीलंका। घनघोर आर्थिक संकट मध्ये किछि दिन धरि अत्यंत असहाय अवस्था रे थिबा श्रीलंका सरकार हाथ टेकी देइछंती। एने आज श्रीलंका अर्थ मंत्रालय कोनोसी ऋण सूची न परबा नै करिछि घोषणा। वर्तमान देशर ऋण भार 51 बिलियन डॉलर होइथिबा बेले यहा सुझिबार कोनोसी संभावना दिसुनी। मोट घर उत्पाद बा जीडीपी रो 85% ऋण भार रे बुडीछि श्रीलंका। आंतरजातिक मुद्रा पांठि बा आईएमएफ रो सहायता परे विदेशी ऋण प्रसंगे चिंता करा जाय पारे बोली कहिछि अर्थ मंत्रालय। मंत्रालय पक्षर कहा जाय छि वर्तमान आईएमएफ एवं अन्यान्य विदेशी सरकार श्रीलंका को जो ऋण प्रदान करछंती ताहा सुझिबा संभावना नाही। ऋण प्रदान करी संस्था सेमाने जहां उचित मन करिवे सेई अनुसारे सुध लागू करि पारिबे बोली स्पर्शकातर आह्वान देछि अर्थ मंत्रालय। श्रीलंकार आर्थिक स्थिति विपर्यस्त कारणरु सेठाकर अर्थ मंत्रालय कोनोसी ऋण परिशोध करि पारिबे नाही बोली घोषणा करछंती। गत मार्च मासरे श्रीलंकार वैदेशिक मुद्रा 16% ह्रास पाई मात्र 1.93 बिलियन डॉलर रे पहुंचिछि। अनबडी चलित वर्ष श्रीलंका को केवल सुध बाबद को 8.6 बिलियन डॉलर परिशोध करबा को अछि। तेणु दिनक दिन देशर वैदेशिक मुद्रा ह्रास पाइबा सहित अत्यावश्यक सामग्री आमदानी पाई टंका नथिबारु श्रीलंकार केन्द्रीय बैंक निजकु देवालिया घोषणा करिछि। We are having a major crisis in this country. It was mismanagement, incompetent, and I will say cocky and arrogance. That is the results we face now. You can't provide a glass of milk for your young child. Do you think the father and the mother can stay at home? No gas, no petrol, no diesel. The food prices have gone up. And the major basic things are the ones we are having a crisis.